फ्रेंड्स, आपने ब्रेड की बहुत सारी रेसिपी ट्राई की होंगी, कभी सैंडविच खाए होंगे, कभी ब्रेड पकोड़े खाए होंगे। मेरे चैनल पे भी आपको ब्रेड की काफ़ी रेसिपीज़ मिलेंगी, पर आज हम बिल्कुल नई और यूनिक रेसिपी ट्राई करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले सिटी किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आइए एकदम ब्रेड की नई रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 4 उबले हुए आलू, और आलू हमने कद्दूकस कर लिए। अब इसमें 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और 1/2 चम्मच चाट मसाला और थोड़ा काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे। साथ में हम नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार। इसके साथ ही इसको चटपटा फ्लेवर देने के लिए यहाँ पर हमने हरी मिर्च को बारीक काट के ऐड करना है। तो 3 से 4 हरी मिर्च और 1 बड़ा प्याज बारीक काट के मिला देंगे। इसके साथ ही बहुत बढ़िया कलरफुल बनाने के लिए, फ्लेवरफुल बनाने के लिए इसमें डालेंगे फ्रेश हरा धनिया बारीक काट कर। और अब इन सारी चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना है किसी स्पैचुला से या हाथ की सहायता से। आपने बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि ये जो आलू है बहुत अच्छे से मैश हो जाए, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि आप आलू का पराठा बनाने के लिए फिलिंग तैयार करते हैं। ठीक ऐसे ही आपने इसको मिक्स करते जाना है हाथ से ताकि सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएँ और आलू में बिल्कुल भी गांठें ना रहें। ये देखिए, इस तरह से आपकी फिलिंग बनके तैयार हो चुकी है। इसको एक साइड रखेंगे और अब हमें कुछ ब्रेड चाहिए। तो इस तरह से ब्रेड लेने के बाद घर में जो भी ग्लास होते हैं स्टील के ग्लास से इसको हमने ऐसे कट लगा देने हैं। तो राउंड शेप के पीसेस हमें निकाल लेने हैं। जितने चाहें ब्रेड आप इसके बना सकते हैं। तो इस तरह से मैंने लगभग 8 ब्रेड के पीसेस के मैंने इस तरह से राउंड सर्कल निकाल लिए हैं। और ये जो ब्रेड के एजेस हैं इसको फेंकेंगे नहीं, ये हमारे बहुत काम आएंगे, इसके हम ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। ये देखिए, मैंने राउंड सर्कल एक साइड निकाल के रख लिए हैं, एक शेप आ जाएगी। और ये जो हमारे पास एजेस बचे थे इससे मैंने ब्रेड क्रम्स बना के तैयार कर लिया है। इसको मिक्सर ग्राइंडर में पीस के थोड़ा सा रोस्ट कर लिया और ये देखिए एकदम बढ़िया हमारा ब्रेड क्रम्स बन के तैयार हो चुका है। अब हमें अगला स्टेप पे जाना है। एक बाउल लेंगे, इसके अंदर हम लेंगे 1 कप मैदा या चावल का आटा। तो आपने इसके अंदर नमक डाल देना है स्वाद के अनुसार और इसको थोड़ा पानी डालते हुए इसकी एक बैटर हमें बनाना है। तो इसको हमें विस्कर से ऐसे चलाते जाना है और इसका हमें घोल बनाना है। थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते जाएँ ताकि इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ ना रहें, और इस तरह चलाते जाएं आप और इसका बिल्कुल लिक्विड कंसिस्टेंसी का आपने घोल तैयार कर लेना है। ये देखिए, जैसे स्लरी बनाते हैं मैदा की, इस तरह से हमने ये घोल बना के तैयार कर लिया है। अब जब हमारा इसका घोल तैयार हो जाएगा तब हमने इसका अगले स्टेप पे आना है। ये देखिए, बिल्कुल परफेक्ट हमारा बैटर तैयार हो चुका है। अब जो हमने फिलिंग तैयार की है, इस फिलिंग को हमने ये ब्रेड के टुकड़ों के ऊपर लगा देना है। जैसे ब्रेड पकोड़े बनाते हैं ना, इस तरीके से आपने इसके ऊपर फिलिंग लगा देनी है और फिर दूसरे टुकड़े से इसको हमें कवर कर देना है। इस तरह से बिल्कुल आपको ये स्नैक ब्रेड पकोड़ा और आलू की टिक्की दोनों का स्वाद एक साथ देगा। ये देखिए, सभी ब्रेड में हमें इस तरह से आलू की फिलिंग को लगा देना है चम्मच की सहायता से और इसको कवर करके हमें एक साथ रखते जाना है। सारे पीसीज एक साथ तैयार कर लें जितने भी आपको बनाने हैं। अब जो ये मैदा की हमने स्लरी तैयार की है इसके अंदर हमें ये ब्रेड को डिप करना है। ये देखिए, इस तरीके से चारों तरफ से कोट कर लेना और डिप करने के बाद इसको हमें ब्रेड क्रम्स में कोट कर देना है। ब्रेड क्रम्स को अच्छे से लपेट देना है आपने चारों तरफ से, बिल्कुल भी सूखा ना रहे। इससे बहुत बढ़िया क्रिस्पी स्नैक्स बनके तैयार हो जाता है और ये तेल भी ज़्यादा नहीं पीता। कोई भी स्नैक अगर हम बनाते हैं ब्रेड क्रम्स में तो वो स्नैक तेल भी नहीं पीता है और बहुत बढ़िया क्रिस्पी बन जाता है। तो इस तरीके से हमने सभी ब्रेड की ये टिक्कियाँ बना के एक साथ रख लेनी है। एक एक करके मैदा में इस तरह डिप कर लें और ब्रेड क्रम्स में रोल कर लें और इस तरह से आपने बना के रख लेनी है एक बार में। और एक साइड आपने
कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख देना है ताकि आपका काम फटाफट से हो जाए। यकीन जानिए दोस्तों, ये स्नैक बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाता है और खाने में बहुत मज़ेदार होता है। जब कभी अचानक मेहमान हो जाएं और कुछ समझ ना आए तब आप ये स्नैक बना के ज़रूर ट्राई करें। ये देखिए मैंने सभी बना के रख लिए हैं और अब कढ़ाई में तेल डालकर हम गर्म कर लेते हैं। तो जो भी तेल आप इस्तेमाल करते हैं खाना बनाने के लिए वो तेल आप डालें और इसको गर्म कर लें। बहुत अच्छे से गर्म होना चाहिए तेल, तभी आप डालें। तेल गर्म हो चुका है और अब इसमें एक एक करके हम ही अपनी ब्रेड की टिक्की इसमें डालते जाएंगे। ये देखिए एक बार में बहुत ज़्यादा नहीं डालना, जितनी आ सकती हैं उतनी ही डालना, चार या पाँच, डिपेंड करता है आप कढ़ाई कितनी बड़ी इस्तेमाल कर रही हैं। और इस तरीके से जब ये आपको लगे कि नीचे से सिकने लगे हैं तब आपने इसको आराम से पलटना है एक एक करके। ये देखिए इस तरह, और हमें इसको सुनहरा होने तक तलना है। हाई फ्लेम पे ही इसको तलेंगे ताकि इसके अंदर तेल ना जाए। बहुत ज़्यादा देर नहीं लगेगी इसको तलने में। ये देखिए इस तरह से गोल्डन कलर आने तक हमें इसको तलना है। बाहर से बहुत क्रिस्पी और अंदर से बहुत सॉफ्ट ये स्नैक बनके तैयार होगा। सभी तलने के बाद, गोल्डन कलर आने के बाद आपको इसे निकाल लेना है, प्लेटिंग करनी है। और दोस्तों अगर आप ब्रेड के और रेसिपी जानना चाहते हैं, ब्रेड की टिक्की जानना चाहते हैं, तो वो भी हमारे चैनल पे है, आप उसे ज़रूर देखना। ये देखिए आप इसको सभी टिक्की को टोमेटो सॉस के साथ सर्व करें या ग्रीन चिली सॉस के साथ, जो भी पसंद हो। आप देखिए कितना क्रिस्पी बना है, ना क्रिस्पी, बहुत मज़ेदार है खाने में, बहुत मज़ेदार है ये रेसिपी। इसको ज़रूर ट्राई करें, रमज़ान चल रहे है, इफ्तार में आप इसे ट्राई करें, अचानक मेहमान आ जाएं तब आप ट्राई करें, या इवनिंग स्नैक में तैयार करें। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं इसका स्वाद आपको कैसा लगा है। तो दोस्तों रेसिपी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल एक नई चटपटी मज़ेदार रेसिपी के साथ। बाय बाय।